Assalamu alaikum everyone. Today we have a guest speaker, Riyasat Ali Changezi Saab. Riyasat Saab, he's a retired Air Force officer and he's also aeronautical engineer by his qualification. आज हम सेशन के अंदर उसके उनसे थोड़ा पूछेंगे कि ही इज डूइंग सम वर्क ऑन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर स्पेशली फॉर फीमेल एंड वेमेन एम्पावरमेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. तो हम देखेंगे कि हम कैसे सिंध के जो फीमेल्स हैं लेट से जो जॉबलेस हैं या कोई इंटीरियर के अंदर अगर कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें विद द हेल्प ऑफ स्मार्टन एंड डॉक्टर चंगेरी साहब फाउंडेशन और एनजीओ. सो डॉक्टर साहब चंगेरी साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दें क्विक इंट्रोडक्शन भी करवा दें एंड लेट अस नो लाइक व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज व्हाट आर योर इनिशिएटिव्स सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या सोशल इम्पैक्ट के अंदर एंड वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर. वकास साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम रियासत अली चंगेजी है। मैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है, पाकिस्तान एयरफोर्स से हूँ। उसके बाद मैंने 10 साल पाकिस्तान सिविल एविएशन के साथ और इंटरनेशनल सिविल एविएशन के साथ एज एन सेफ्टी और एयरवर्दीनेस एक्सपर्ट काम किया है। और इंटरनेशनल लेवल पे मेरी गुडविल बल्कि नेशनल से ज़्यादा है, बिकॉज मैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। मास्टर ट्रेनर हूँ स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। बाकी मेरा एक एनजीओ है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से, जिसमें हम वुमेन, डिप्राइव्ड वुमेन और बच्चों को हम हेल्प करते हैं, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं। डिप्राइव डज नॉट मीन के एकदम ही डिप्राइव हर चीज़ से। डिप्राइव मीन एक खातून है जिसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, अब उसके पास जॉब नहीं है और वो हेल्पलेस समझती है। एक दूसरा डिप्राइव्ड का हमारा मतलब ये है कि ऑफिसेज में काम कर रहे हैं लायक खातून है, खवातीन के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, तो ऑफिसेज में उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग उनको इंटरटेन नहीं करते बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेशन। हमने बहुत सारे, जैसे एविएशन से मेरा ताल्लुक है, तो हमने शुरू में एविएशन में बहुत सारे वुमेन को लिया। जैसे PIA में कई वुमेन हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे, इंजीनियर वुमेन को हमने उन्हें डेवलप किया, 9 मंथ के लिए डेवलपमेंट की, फिर हमने PIA से निकाल के उनको कतर में भेज दिया, अभी क्विंटास में हैं, इसी तरह एमिरेट्स वगैरह में, और वो उनको एकदम लेवल रेज हो गया। दूसरा, हम अभी जितने यूनिवर्सिटीज में प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के या अदरवाइज प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, एनुअल प्रोजेक्ट्स, उनमें मैं मेंटोर करता हूँ लोगों को। तीसरी चीज़ यह है कि वुमेन के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम पहले वुमेन को जज करते हैं कि वो उसकी क्या स्पेशलिटी है। लाइक इंजीनियर वुमेन है तो उसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम अलग होगा, हम उसका सारा बैकग्राउंड देखते हैं। अगर नॉर्मल सेमी स्किल्ड है या स्किल्ड वुमेन है, उसके लिए हम डिफरेंट प्रोग्राम करते हैं। तो इस सिलसिले में अभी भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो दिस इज माई इंट्रोडक्शन। जी थैंक यू सो मच चंगेज साहब. बेसिकली इसमें जो अभी मुझे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अज्यूम कर लें कि हमारा जो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं इंटीरियर्स के अंदर बहुत सारे बल्कि विलेजेस एरियाज में भी हैं जहाँ पे हो सकते हैं काफ़ी एरियाज में इस तरह की इंडस्ट्रीज भी नहीं है कंपनीज भी नहीं है या कोई इस तरह का आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं जहाँ पे वो जॉब कर सकें और वो जॉब्स आपको पता है या कराची में होती हैं लाहौर में होती हैं. तो उनको हम सोच रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकें. तो कोई इस तरह का आपके पास प्रोग्राम है उनके लिए कि हम हाउ दे कैन अज्यूम करें कि वो दे कैन नॉट ट्रेवल फॉर सम कल्चरल एंड ट्रेडिशनल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो विलेज से बाहर नहीं जा सकती कराची अकेले. तो उनके लिए कोई ऐसा एम्पावरमेंट प्रोग्राम कि वो घर से बैठ के काम कर सकें या कोई उसके अंदर लोकल रीजनल के अंदर कोई जॉब्स क्रिएट हो सके उनके लिए. इज देयर एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन सच इनिशिएटिव्स? अच्छा, इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें दो तरह की चीज़ें, एक तो ये है कि हम लोकल इनोवेशन और को हम प्रमोट करते हैं, उसमें ब्लेंड ऑफ लोकल इनोवेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ब्लेंड से हम उनके डेवलप करते हैं वुमेन को। डेवलपमेंट कैसी है, लाइक सपोज सबसे पहले तो मुझे डेटा चाहिए, अगर विलेज में है तो किस विलेज में है, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, पेरेंटल बैकग्राउंड क्या है उनका, फिर उसके मुताबिक हम उनके लिए तैयार करते हैं प्रोग्राम। लाइक जैसे अभी हम मंगोपीर के एरिया में, वहाँ पे हमें पता चला कि बहुत गरीब लोग हैं और वहाँ सेम रिस्ट्रिक्शंस है वुमेन का, तो उनको फीस नहीं पे हो सकता था। पहले शुरू में तो मैंने कुछ फीसें दे दी, फिर मैंने कहा ये तो परमानेंट इसका होना चाहिए, तो हमने उस, वहाँ एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर
हम उनके लिए एक वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो दिस इज वन, ये हो सकता है। दूसरा प्रोग्राम ये है कि हमें कुछ पता चला कि हिंदू कम्युनिटी है जो डिप्राइव्ड है, लोग उनके बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं करते, वो खुद या तो भीख मांगते हैं या वो छोटे मोटे काम करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उनके बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त किया और साथ में हमने उनके बड़ों को हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ट्रेनिंग दे दी। फिर उनमें से कुछ लोगों को जॉब दे दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और कुछ लोगों को हमने ये किया कि मशीनें दे दी। मशीन हमने ऐसे नहीं देते हैं, हम मशीन देते हैं कि जनाब हमने एक मशीन दे दी और उस मशीन को हमने कहा 26,000 में एक मशीन मिल जाती है अच्छी वाली, वो हर महीने 1,000 दे देते हैं। तो 26 महीनों में तो वो जो ही वो मशीन क्लियर होता है तो हम अगले को हम दे देते हैं। तो दिस इज ए प्रोग्राम जो सेमी स्किल या जो वो, बाकी जहां तक लाइक सपोज वुमेन है, हम उनको जो पढ़ी लिखी है हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट देते हैं। वो भी डिपेंड करता है उसकी स्पेशलिटी पे। अगर इंजीनियर वुमेन है जॉब नहीं मिलता उसके लिए सेपरेट है, अगर कोई किसी और डिसिप्लिन की है सेपरेट है। हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो उसमें हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डेटा मिले, उस डेटा को हम एवेलुएट करें और उसके मुताबिक फिर हम उस डेटा पे हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, कहाँ पे फिट कर सकते हैं, ये वेरिएबल्स सारे हम देख के फिर हम बताएंगे। साउंड्स गुड। अच्छा, इसमें जो आपने सिलाई मशीन की बात की कि लेट से जो टेक्सटाइल के अंदर या जो सीइंग मशीन वगैरह आप देते हैं, इनका कोई नंबर ऑफ एक होता है? आपको अगर रिज्यूम कर लें कि हम आपको एक पोटेंशियल कैंडिडेट्स लेके दें स्क्रीन करके, पोटेंशियल हार्ड वर्किंग जो इसमें इंटरेस्टेड हो एंड दे आर लुकिंग फॉर लाइक यू नो लाइक जिस तरह से माइक्रो फाइनेंसिंग का ही कॉन्सेप्ट हो गया कि आप उनको देते हैं लेकिन इजी इंस्टॉलमेंट्स पे आप पैसे वापस लेते हैं एंड इट्स कम्प्लीटली इंटरेस्ट फ्री, राइट? तो उसमें अगर 26,000 वाली जो मशीन है तो ये कितनी आप देते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिफाइबल कितनी मतलब हो सकती हैं? अगर सिंस से फीमेल्स इंटरेस्टेड हो इस गरीब जिले से, अगर औरतें हैं किसी थरपारकर से, उमरकोट से या किसी ऐसे रीजन से, शिकारपुर, लड़काना वगैरह वगैरह, तो टोटल कितना नंबर होता है जो आप मशीनें देते हैं हर साल या हर महीने, और हम इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? हाउ पीपल एंड वेमेन कैन गेट द सिलाई मशीन थ्रू योर प्रोग्राम, क्या प्रोसेस है? अच्छा वकास साहब, जहाँ तक ये फिक्स्ड अमाउंट है हम अमाउंट वगैरह नहीं करते हैं। बिकॉज देखिए हम हमारा ये है कि हमने हर साल इतना देना है, वी आर नॉट दैट ऑर्गेनाइजेशन। हम ये करते हैं कि हम देख लेते हैं, लोग उस एरिया को स्टडी करते हैं और उसके मुताबिक, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ सिलाई मशीन दे दें। अच्छा दूसरा इसमें यह कि पाकिस्तान में बहुत सारा फ्रॉड बहुत ज्यादा है, हमारे साथ होते रहते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं, महीने में कम से कम 20, 30, 40 केसेस में डील करता हूँ वो फ्रॉड निकलते हैं। बिकॉज हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, थरो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहाँ ज़रूरत तो उसके मुताबिक देते हैं। अच्छा दूसरा बात ये कि हमारे पास टोटल अपना इतना फंड नहीं होता। अगर सपोज आप कहते हैं 20 की ज़रूरत है तो हम 20 को फ्लोट करते हैं, डोनर्स ढूंढते हैं, स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, फिर उसको दे देते हैं। या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो आपको मशीनें देते हैं वो आपसे करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो माइक्रो फाइनेंस पैसे देते हैं और आपसे रिकवर करते हैं, उसका भी एक तरीका है जो मेरिट पे उतरते हैं। बिकॉज अगर हम इस तरह कर ले तो बहुत सारे लोग, शुरू में हमने किया, हमने बहुत लोगों को, तो हमें बहुत सारे केसेस मिले जहाँ बाद में पता चला यार ये तो उस तरह नहीं है। सो इसलिए हम पहले बगैर इसके देते थे, बगैर पैसे रिकवर करने के या माइक्रो फाइनेंस के उस पर, बट अभी हमने वो शुरू किया, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, दिस इज नीड बेस्ड। इसमें ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है जो जो लेट से डिप्राइव्ड काफी जो पुअर लेट से मेन है अगर तो मेल्स के लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम है? देखें डेवलपमेंट में मेल भी आता है बट डिपेंड करता है, बिकॉज जनरली मैंने ये नोट किया कि मेल जो है ना वो थोड़ा इजी लाइफ चाहते हैं, मेल के लिए वो मेहनत नहीं। बस हम प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। सपोज अगर किसी को, हमने भी कुछ मेल को, जैसे हिंदू कम्युनिटी का कहा, उसमें मेल थे सारे, बिकॉज फीमेल के पास शनाख्ती कार्ड नहीं थी। उन लोगों को हम देते जिसके पास शनाख्ती कार्ड। अच्छा हमने इनको ट्रेनिंग दिलाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात करके, उसमें यहाँ बहुत सारे पॉलिटेक्निक है कराची में, दो वुमेन पॉलिटेक्निक से उनके प्रिंसिपल से बात की और कुछ मेन पॉलिटेक्निक है उन लोगों से बात की। तो हमने उनको 2 महीने की ट्रेनिंग दी जिसमें कटिंग, फैशन डिजाइनिंग, फ्ला फ्ला। अच्छा ये चीज जो है ये पढ़ी लिखी खवातीन के लिए भी,
अनपढ़ लोगों के लिए भी है। अभी जो हमने हिंदू कम्युनिटी के थे वो सारे अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, बट उसमें पढ़े लिखे लोग भी जा सकते हैं। अगर हम जैसे सपोज अभी हमने मंगोपीरे में एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया कि पढ़ी लिखी खवातीन जिसमें मास्टर किया हुआ है और बड़े हाई क्लास से जॉब नहीं मिल रहा है, तो हमने उनको उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किया कि वो कुरान सिखाएं। अब कुरान में हाफिज या कारी नहीं, कुरान सिखाए, कुरान को पढ़ के समझ के और कुरान की तालीमात के मुताबिक जो बच्चा बनता है उसको, उस बच्चे को उस तरह करें। उनमें से दो तीन खवातीन अभी ऑनलाइन कुरान पढ़ा रही है। हमारा ये था ऑनलाइन एंड अदर देन ऑनलाइन, सो उनकी इंटरनेशनल फीस उनके लेती प्रॉपर होंगी, राइट? तो वो एक इनकम होगी उनकी, उनकी प्रॉपर इनकम है, प्रॉपर इनकम है। इनकम है ओके, जो तो इट्स उसमें मोर लाइक, कोई। अगर हम इसको कुरान शरीफ को अगर जनरलाइज भी कर दें, लेट्स से कोई भी रिलीजियस एजुकेशन या कोई भी टेक्निकल एजुकेशन, तो सो बेसिकली ऑनलाइन ट्यूटरिंग को आपने उनको ट्रेन किया कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग, अब उसमें कुरान हो गया, कोई इस्लामिक स्टडी हो गई, मैथमेटिक्स कोई भी हो सकती है, राइट? हमने जैसे हमने लेडीज को पहले जो खवातीन थी हमने ट्रेनिंग दिया उनको 3 महीने का, बल्कि 5 महीने का। जैसे पहला था तौहीद, खुदा की जात क्या है, प्रॉपर जो पीएचडी डॉक्टर थे वो सवाल जवाब करते, पहले उनको तैयार किया। तैयार करने के बाद फिर हमने उनको कुरान की तालीमात के मुताबिक उनको ट्रेनिंग दी। उसके बाद फिर उनमें से कुछ एंटरप्रेन्योर बने। अब इसी में वुमेन के लिए बहुत सारे वेन्यू है। जो पढ़ी लिखी खवातीन है जनरली ये होता है कि कुछ खवातीन वो पढ़ी लिखी हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ खवातीन थी जिन्होंने एमए फर्स्ट डिवीजन किया था कराची यूनिवर्सिटी से, मैंने उनको बैंक में डालने की कोशिश की, नहीं चल सकी बिकॉज ऑफ दो सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। कॉन्फिडेंट नहीं था उसमें, कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर हमने क्या किया, उसको मैंने किसी अमरोहा स्कूल है जहाँ बहुत हाई क्लास स्कूल, मैंने कहा एमए है वहाँ, नहीं वो चल सकी, अंडर कॉन्फिडेंट वो मुझे बार बार कॉल करती। फिर हमने उसको एनजीओ में डाला कि बच्चों का एनजीओ था जो बच्चों को सिखाते थे ये हैंडीकेप बच्चे वगैरह, वहां पे भी नहीं चल सकी, तो हमने उसको कहा चल एंटरप्रेन्योर बनो। अब वो अच्छी एंटरप्रेन्योर साबित। अच्छा, तो इस एंटरप्रेन्योर तरह की के डेफिनेशन क्या है आपकी, कि मतलब एक सिलाई मशीन जो बना रही है आप, मतलब एनीथिंग विच इज लाइक अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप उसको कह रहे हैं, राइट? क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, नहीं हम टेक स्टार्टअप से कंफ्यूज कर देते हैं, नहीं या देखिए, स्टार्टअप को भी आप एंटरप्रेन्योर में शामिल कर ले। देखिए, एक खातून है जो पढ़ी लिखी नहीं है वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाती है, ठीक है, ओके, गॉट वो इट। एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकती, ठीक है। अब वो खातून जो पढ़ी लिखी है, जो समझती है, जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पे चल रही हो, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्व कर सके, हम उसको एंटरप्रेन्योर के जमरे में ले आते हैं। जो साउंड्स मसलन गुड, आम खातून तो बिजनेस वुमेन बनेगी, ये बनेगी एंटरप्रेन्योर, जैसे सही सेठ और एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट है इसी तरह वो है। सही सही। अच्छा रियासत साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉज लेके आई वुड लाइक टू थिंक अबाउट कॉल टू एक्शन फॉर एनी पर्सन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चाहे आप लोगों को, ऐसे लोगों को जानते हैं या आप खुद हैं जो वॉच कर रहे हैं, कि इफ यू आर, लेट्स से देर आर पीपल लाइक फीमेल्स हु आर लुकिंग फॉर अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग डेवलपमेंट फॉर फ्री, तो रियासत साहब उनको फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। अगर 20, मेरे ख्याल से 20 से 30 अगर कैंडिडेट्स किसी भी सिटी में हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो वहाँ पे रियासत साहब की टीम खुद आके, बल्कि रियासत साहब खुद या उनकी टीम खुद आके ट्रेनिंग देके जाती है रीजन के अंदर, आपके सिटी के अंदर आके फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर वो 20 या 30 से कम लोग हैं, लेट से 2 या 3 फीमेल्स हैं जो कि ट्रेनिंग लेना चाह रही हैं, तो उनके लिए उनकी टीम ऑब्वियसली नहीं आ सकती। फिर उनके लिए कराची में ऑफिस है, वो कराची में उनको बुलाते हैं कि वहाँ पे वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो देके, फिर उनको वो जॉब्स में कहीं पे बैंक, किसी को बैंक में लगवा दिया, किसी को एनजीओ में लगवा दिया, या किसी को किसी और लेट से इदारे में लगवा दिया। सो इनका इट्स लाइक अ वेल कनेक्टेड नेटवर्क, एंड दे आर ट्राइंग टू यूज ह्यूमन कैपिटल, यू नो लाइक, इज इट करेक्ट दिस आप, इफ आई एम रॉन्ग तो प्लीज करेक्ट मी। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। देखिए, हम क्या करते हैं डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा अभी इस वक्त हम दो टीम को मैं मेंटोर कर रहा हूँ, दोनों प्योर वोमेन है और ये डाउ मेडिकल से ग्रेजुएट हो रही हैं खवातीन। अब उनके लिए जो ही ग्रेजुएशन होगी तो हमने प्रोग्राम हम उनके लिए बना लिया, उनको जॉब मिल जाएगा। अच्छा, अब हमने जैसे बलोचिस्तान के लिए शुरू करें, नौशकी है एरिया, हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। हमारा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 सदस्य भी है, मुल्तान से भी है, गुजरांवाला से भी है, लाहौर से भी है, कराची से भी, इस्लामाबाद से भी।
वो एक डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस इज टोटली ऑनलाइन, वो घर बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग अगर यहाँ ना चाहे, लाइक हम उनको कनेक्ट कैसे करेंगे? अगर वो टेक्निकल ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं तो हुनर फाउंडेशन ने वुमेन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो हुनर फाउंडेशन जो है हमारी गारंटी पे उनसे फीस नहीं लेता, बट अकोमोडेशन हम अरेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे भी प्रोग्राम हो तो, जैसे अभी हम कुछ उस्तादों को इंटीरियर सिंध से बुला रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि तकरीबन 400 उस्ताद हैं, उनको मैं पर्सनली ट्रेनिंग करूंगा प्राइमरी मॉडर्न, प्राइमरी एजुकेशन के ठीक बेसिकली वो तालीम में कुरान देते हैं, अब प्राइमरी एजुकेशन पे भी। अब मैं उनको ला रहा हूँ मॉडर्न एजुकेशन की तरफ। तो पहले वो जो है वो आलिम कहलाते थे, तो अब हमने कहा यार आप इसका नाम उस्ताद से इंस्ट्रक्टर रख लो, ताकि टेक्निकल ट्रेनिंग का भी उनकी खुद भी अपनी हो जाए। वो खुद मैट्रिक है बट साथ में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमने कहा इसको पहले डेवलप करो। तो अब उनको हम कराची बुला रहे हैं, तो कराची में हमें, हमारे पास अकोमोडेशन वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं अभी अगले हफ्ते इंशाल्लाह इंटीरियर सिंध जाऊंगा, उन सब जगहों का दौरा करूंगा, देखूंगा कि कहाँ कंसंट्रेशन हो सकती है। सो हमारे पास कराची में जाएंगे, अकोमोडेशन नहीं अरेंज कर सकते हैं उनके लिए, वो खुद करना पड़ेगा, या स्मार्ट सिंध किसी एनजीओ के थ्रू या अपने थ्रू अरेंज करके दे दे, बाकी हम देख लें। ओके, सो जस्ट टू कंक्लूड, आप एक जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर फ्री देंगे, इसकी कोई फीस नहीं होगी। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड ही कैन अप्लाई फॉर फ्री। अब काइंडली उसका कोई लिंक या कोई फॉर्म है तो आप शेयर कर दीजिएगा ताकि हम स्मार्ट फोन पे शेयर कर दें। उसके बाद अकोमोडेशन फिलहाल आप नहीं दे रहे तो वो उनको खुद बियर करनी पड़ेगी। तो लेट्स से अगर कोई 5 या 3 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए आ रही हैं लड़कियाँ, या लेट्स से वेमेन है, या कोई अंडर प्रिविलेज जो भी हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो उनको अभी ये कॉस्ट खुद बियर करनी पड़ेगी, राइट, जी हाँ। लिविंग की। ठीक है। तीसरा ये है अच्छा, कि इस एक जी और चीज मैं आपको बता दूं, हम बेसिकली, मैं इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, मैं दुबई में भी ट्रेनिंग देता हूँ, अमेरिका में भी जाता हूँ, यूरोप में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। जी तो वहाँ ट्रेनिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है उन कोर्सेज की। तो मैंने पाकिस्तान में ये किया है, जैसे हाँ हमने यस पीएफ कीट के स्टूडेंट्स थे, हमने उनके लिए किया कि मसलन अगर मैं एक 5 दिन का ट्रेनिंग यूके में देता हूँ तो मैं 2,000 पाउंड चार्ज करता हूँ, अगर यूएई में मैं ये 5 दिन का ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं 4,000 दिरहम चार्ज करता हूँ, प्लस मेरा टिकट, आना जाना, होटल वगैरह एंड ट्रांसपोर्टेशन उनके जिम्मे होता है। तो पाकिस्तान में मैंने ये किया कि वही ट्रेनिंग पीएफ कीट के स्टूडेंट जो ग्रेड हो रहे थे फाइनल पे, 6,000 में किया, 3,000 यूनिवर्सिटी ने दिया, 3,000 मैंने दिया। ये इसलिए चार्ज करते हैं, दो वजह, एक तो स्टूडेंट को पता हो कि यार दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, बिल्कुल दूसरा उनको सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेट देते हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलता है, तो उस सर्टिफिकेशन के भी हमें देने पड़ते हैं। कॉस्ट तो होगी उसकी। बाकी जो, जी हाँ, पाकिस्तान में मैंने उसकी कॉस्ट बहुत कम रखी है, जो जो लेकिन ये लोग कम, एरोनॉटिकल के लिए या किसी के लिए भी है? ये बेसिकली कोई भी आदमी ये कोर्सेज करे, मसलन अगर कोई ग्रेजुएट है, ये कोर्सेज करने के बाद वो इंडस्ट्री में इन हो सकता है, एविएशन इंडस्ट्री में, बेसिकली एविएशन, ठीक एरोनॉटिक, हाँ इट इज एविएशन इंडस्ट्री, कमर्शियल एविएशन लाइक। अच्छा, दूसरा है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये किसी भी इंडस्ट्री में लग सकता है, तभी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। जो हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी इसके साथ लगा रहे हैं। अब जैसे सपोज इंटीरियर सिंध में बहुत सारे लोग होंगे, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम करके वो हॉस्पिटल्स वगैरह में, उन जगहों पे उनको डिप्लाई किया जा सकता है। बिल्कुल, जी साउंड्स गुड। आई थिंक इस पे हम एक अलग सेशन रखेंगे, वो होगा आपकी लेट्स से एविएशन एंड एरोनॉटिकल से रिलेटेड भी होगा, और एक हमारे जो सेफ्टी और हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब्स हैं, हॉस्पिटल्स में कैसी जॉब्स होती हैं या सेफ्टी मैनेजमेंट में कौन सी जॉब्स होती हैं, तो इस पे हम दो अलग सेशन कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट टू गिव द हाईलाइट टू द ऑडियंस कि अगर वो जैसे हिसाब से मजीद जानना चाहते हैं तो दे कैन सेंड द मैसेजेस ऑन द इनबॉक्स, या आप कमेंट में हमारे इस पोस्ट के कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन हैं डॉक्टर साहब से। तो अगले सेशन में हम उसी उन्हीं सवालों से जवाब भी लेंगे, उन्हीं के बारे में रोड मैप्स और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस भी लेंगे। तो फील फ्री टू राइट योर क्वेश्चंस और एनी थॉट प्रोसेस, एनी सजेशन, फीडबैक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसके ऊपर आते हैं कॉल टू एक्शन के तरफ अगेन। अगर स्मार्ट सेन आपको कहता है कि आप लेट से 100 या 50 फीमेल्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोई अगर प्लेज करें, या लेट से आप उनकी अगर फ्री में ट्रेनिंग कह रहे हैं कि वो आप दे सकते हैं, तो हाउ कैन वी टेक इट फॉरवर्ड? आपको हमसे लाइक
एक तो हम एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, आप हमें बताएंगे कि क्या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए होगी, उनसे डेटा क्या चाहिए होगा, वो हम आपको अगर इकट्ठा करके स्क्रीन करके बिल्कुल हार्ड वर्किंग और पोटेंशियल कैंडिडेट्स रेफर करें आपको। क्या आप उनको फ्री में ट्रेनिंग देंगे कराची में या कहीं भी? अगर हम उनको सिंध के अंदर कहीं हैदराबाद में कहीं पे अरेंज करें आपको, तो क्या आपकी टीम वहां पे आके फ्री में उनको ट्रेनिंग दे सकती है? और क्या उनको जो जॉब्स दिलवाने का जो प्रोसेस है, कि किसी को आप कह रहे हैं बैंक्स में, किसी को एनजीओ में, तो आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू सी द आउटकम ऑफ दिस सेशन, कि हम कैसे इसको बेनिफिशियल बना सकें, रियल इम्पैक्ट के, जिसमें लोगों को रियल में जॉब मिले आफ्टर 3-4 मंथ्स। अच्छा वकास साहब, डेवलपमेंट इज डज नॉट मीन अ सेशन ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप ये समझते हैं कि ट्रेनिंग से, एकेडमिक ट्रेनिंग से डेवलपमेंट होती ही नहीं है, डेवलपमेंट में हम सबसे पहला काम ये करते हैं, हम परसेप्शन ब्रेक करते हैं। जो भी हो, पहले उसके लिए हमें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें डेटा मिले, किस क्या बैकग्राउंड है, क्या चीज है, फिर जिस डिसिप्लिन में हो, जिस एरिया में हो, उसको हम स्टडी करने के बाद फिर बताते हैं किसकी डेवलपमेंट होगी। परसेप्शन ब्रेकिंग के होते हैं, पहले हम अनलर्न कराते हैं, उसका जो टारगेटेड जॉब है या टारगेटेड बिजनेस है या टारगेटेड डेवलपमेंट है, वो हम उसको पहले से उसके साथ बैठ के सेशन करके डिसाइड करते हैं। जैसे सपोज मैंने बताया, एक लड़की थी पीआईए में, मैं वर्कशॉप कर रहा था, मैं जवानों को प्रमोट करता हूँ, मेरे पास दो तीन लड़कियां आई, एक लड़की आई कि मेरा 3.8 है और मैं 7 साल से पीआईए में ट्रेनी इंजीनियर हूँ और मेरी तनख्वाह 25,000 है, तो मैं कैसे डेवलपमेंट करूँ, कैसे? वो रो रही थी मैं छोड़ रहा हूँ, जब मैंने ज्यादा, मेरे दो दो घंटे के सेशन होते हैं, उसमें बहुत सारे हाल भरा होता है जैसे पीआईए वगैरह में। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप मेरे साथ आए। उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, मैंने टोटल उसका सुना, फिर मैंने कहा अब आपकी डेवलपमेंट में, फिर हमने उसको क्या किया कि पहले उस एरिया को देखा, उसके मुताबिक उसका प्लान तैयार किया, उसको हमने उन सिस्टम्स पे ट्रेन किया जो रिक्वायरमेंट है, लेटेस्ट टेक्निक जो। अच्छा, उसका इम्प्रेशन ये था कि पीआईए में लोग उसको कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा, ये बहुत ही अच्छी लड़की नहीं है, इसको कुछ नहीं आता। जब हमने उसको डेवलपमेंट की तो वो बहुत ज्यादा हो गया, अब कुछ बॉस जेलस होने लगे, फिर हमने उसको सेक्शन चेंज करा दिया। सेक्शन चेंज कराने के बाद हमने उसको एग्जाम दिलवाया, एग्जाम में वो पास हो गई, फर्स्ट आई, उसकी फिर प्रमोशन, तनख्वाह उसकी 25-30-70 हो गई, अब वो खुश हो गई। मैंने कहा नहीं, आपकी डेवलपमेंट यहाँ नहीं रुकी है। फिर हमने उसको टारगेट किया फॉरेन एयरलाइंस के लिए, फॉरेन में कतर हाईएस्ट पेड है, तो हमने उसको 8-9 महीने, मैं खुद दिन में 3 घंटे उसकी ट्रेनिंग करता था, पर्सनल 1v1। फिर उसके बाद उसकी गाड़ी नहीं होती, मैं अपने गाड़ी में उसको ड्रॉप करता था खुद उसके बहन के घर पे जो क्लिफ्टन में। उसके नहीं बाद फिर हमने उससे एग्जाम दिलवाया तो उसकी तनख्वाह $8,000 हो गई, उसको परेशानी थी कि मेरे पास इतना पैसा। सो हम इस तरह डेवलपमेंट करते हैं कि पहले बिल्कुल, पूरा डेटा लेते हैं, फिर उस डेटा को स्टडी करते हैं, फिर उसके मुताबिक उसकी डेवलपमेंट करते हैं। बिकॉज हम जो भी डेवलपमेंट करेंगे उसको हम हाईएस्ट लेवल पे, उस लेवल पे ले जाते हैं जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स हों, इसीलिए इसका नाम ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बाकी जहां तक जो स्किल्ड वुमेन है या स्किल्ड लोग हैं, उनको भी हम प्रोसेसेस प्रोसीजर सही करते हैं, उनके लिए पार्ट्स कैटलॉग बनाते हैं, उनको एग्जिबिट करते हैं उनका प्रोडक्ट। सही है। अभी इस सेशन को अगर हम कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, अब आप बताएं एज अ मैसेज टू पीपल, कि किस तरह के लोग आपसे फायदा उठा सकते हैं, आपकी नॉलेज से, आपके कनेक्शन से, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एक तो आप ऑडियंस से बता दें कि ये पार्टिकुलर पर्सोना विद दिस डिग्री या ये स्किल या ये वाले लोग, मतलब तीन चार जितने भी आपके माइंड में आ रहे हैं वो बता दें, और उसके बाद क्या प्रोसेस है एंड हाउ कैन वी टेक इट फॉरवर्ड। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता, हमने कहा 3 हिस्सों में, एक हिस्सा है जो बड़े, जो अनपढ़ लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करते हैं। हमारे एक दोस्त है शाहिद साहब, यूएस में होते हैं वो, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर भी कराया, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो उसको पढ़ाते हैं 2.5 साल और उसको मैट्रिक की डिग्री देते हैं, उसके बाद उनकी स्टोरी शुरू होती है। दिस इज वन एजुकेशन के सिलसिले में। दूसरा अब ये है इनकी कि एज हम, लिमिट कोई है कि क्या एज ग्रुप होना चाहिए? वो ये एज लिमिट बच्चे हो, मतलब मैंने उससे एज लिमिट नहीं पूछा, बट वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है, बन्नू से स्टार्ट हुआ था, इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहा है, लाहौर में चल रहा है, गिलगित वगैरह में चल रहा है। सो वो सही हम है। स्मार्ट सिंध में भी ला सकते हैं। बलूचिस्तान में अभी हमने इसको, मैंने सिंध और बलूचिस्तान के लिए इसका प्रोग्राम बनाया था कि ये सैलाब ज़दगान की रिकवरी के लिए है,
मैंने एक फोरम बनाया तकमील पाकिस्तान, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो हमें इन चीजों में हेल्प करते हैं। तो दिस इज सही है, वन। सेकेंड ये है कि अगर कॉटेज इंडस्ट्री गांव की खवातीन है, कहीं नहीं जा सकती, उनका कोई जो बहुत सारे काम करते, तो उनके प्रोसेसेस प्रोसीजर हम सही करेंगे, उनका सिस्टम सही बनाएंगे और इनको ट्रेनिंग देंगे, तो वो उनका फिर उनके प्रोडक्ट को एग्जिबिट करे। अब प्लान क्या होगा, अगर आपके पास वो 500 लोग आ जाते हैं, उनके मुख्त एक ही इंडस्ट्री के, एक ही चीज के, लाइक जैसे हमने एक गांव था कामरा के पास, हजरों में एक गांव था, तो हमने हजरों में खातीन ये मिट्टी के ये मटके वगैरह बना दिए, तो उसको हमने जाके उसके साथ बैठे, हमने सबसे पहले तो उसका मीडियम इम्प्रूव किया, वो रेत और मट्टी मिलाते थे, हमने उसको आगे किया, फिर उसका हमने कैटलॉग बनाया। अब उस खवातीन के पार्ट्स फिर हमने 102 आइटम बनाए, एग्जिबिट किया। अब वो खातून उसके पास एनसीए के लोग जाते हैं, उस कैटलॉग को देख के उससे बनवाते हैं, तो हम ये चीज कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरा बताएं, इनके एग्जिबिट करने के लिए हम वो पहले ये करते थे एग्जिबिट के हम लाके वन टाइम वर्कशॉप किया, अभी नहीं, अभी हम ये कर सकते हैं, अगर 70 के एरिया में हैं और वहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम इनको एक जगह 70 में हम एक जगह लेंगे, एक शॉप खोलेंगे, उस शॉप के अंदर ये सारे ला के एग्जिबिट करें, फिर हम लोगों को कहेंगे कि जनाब यहाँ बार्गेन ना करो। सेम इस कराची में भी मेरा इरादा है, अगर मुझे स्मार्ट सिंध में से बहुत सारे गरीब खवातीन और लोग मिले जो अच्छा बनाए, उनके प्रोसेस में इम्प्रूव करे, मैं सही है, कराची में एक चीज खोलूंगा जहां मैं अपने दोस्तों को लाऊंगा, उनका जो उनकी प्रोडक्ट होगी इंटरनेशनल लेवल की होगी, उनसे कहूंगी यार बार्गेन नहीं करो, ये लोगों की हेल्प के लिए। इस तरह ये सोशियो इकोनॉमिक सो एक्टिविटीज। इसमें इसमें आई थिंक एक मुझे पास माइंड में एक आइडिया या अपॉर्चुनिटी आ रही है कि सिंध के हिसाब से अगर मैं देखूं प्योरली कि सिंध के अंदर बहुत सारे इंटीरियर या विलेजेस के अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो रैली बना, आई थिंक आपने देखा होगा सिंधी रैली होती है, बिल्कुल, देखा है, देखा है मैंने। कल्चरल रैली होती है, ठीक है, तो वो एक बहुत सारी होती है लेकिन उनको उतना पेमेंट नहीं मिलती या बिल्कुल ही वो होता है ना कोड़ी के दामों में बेचारी बनाती हैं। तो अगर उस चीज को कल्चरल जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं या कल्चरल जो एक आर्ट है या अजरक की कुछ चीजें, कुछ हाथ से टोपियां बनती हैं, सिंधी टोपियां बनती हैं, या कुछ हाथ शूज होते हैं जो हैंडमेड शूज बनते हैं लेकिन इंटीरियर में बनते हैं, अगर इस तरह के लोग इस तरह की प्रोफेशनल डेवलपमेंट या इससे फायदा उठाना चाहें आपके प्रोग्राम से, तो आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, अब मैंने हाला में देखा है, मैं नवाबशाह में रहा हूँ कुछ अर्सा, तो हाला में मैंने वो रली, हाला की बड़ी मशहूर है ना, ये जैसे चादर वगैरह, तो वहाँ मार्केट में देखा है, दिस इज टोटल ट्रेडिशनल। होता क्या है, जैसे अगर मैं आपको पोर्सेलिन की बात करता हूँ, ये इंटरनेशनल लेवल पे हमने लोगों को ट्रेन किया, एक पोर्सेलिन का फ्लावर इटली का $5 में हर कोई खरीदता है, वजह उसकी है कि वो अच्छा लगता है नजर को, नजर को क्यों अच्छा लगता है, उसकी डिजाइन अच्छा है, उसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, उस प्रोडक्ट में सिमेट्री है, उसमें हार्मनी है, उसमें सिंक्रोनाइजेशन है, तभी वो अच्छा लगता है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप रल्ली की बात की या आपने और लोकल प्रोडक्ट की बात की, हम इनके डिजाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें लोकल इनोवेशन तो उनके पास है नो डाउट, हम उनके प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये खातून पहले 2 रल्ली बनाती थी, अब अगर उसका प्रोसेस इम्प्रूव हो जाए तो वो 4 रल्ली बना सकती है। अच्छा, फिर उसके डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन, अब देखिए ये ओल्ड चीजें हैं, ये सिर्फ इंटीरियर सिंध में या सिंध के कुछ लोगों को जो बाहर है उनको अच्छा लगता है, अब इसको अच्छा लगना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट के उससे। अब ये एक सूरत हो सकती है, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया किसी रिमोट एरिया में, मैंने जो सना सफीने का जो टॉप डिजाइनर था उसको मैंने कांटेक्ट किया, मैंने कहा यार पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है, मैंने कहा आपने ये इस जो इनके प्रोडक्ट है वो भी सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, मैंने कहा इसमें वैल्यू एडिशन करनी है और इसको लेटेस्ट वैल्यू एडिशन, वो राजी हो गया। तो हमने फिर क्या किया कि उन्हीं में से, जैसे एक गाँव है, एक गाँव में हम 5-6 औरतों को हम उनका एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप सारे ये चीजें जमा करो, जमा करके ले आओ, अब उनमें प्रोसेसेस प्रोसीजर डेवलप करते, फिर वो लेके बाजार में आए, जैसे वो मैंने एक एरिया कराची में मुख्तस किया था, वो प्रोजेक्ट हमने इसलिए वो किया कि थोड़े से दरमियान में कराची में प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो हमने उसको बंद कर दिया, ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू कर सकते हैं अगर इसको बड़े सतह पे लेना, अगर स्मार्ट सिंध में आपके पास इस तरह लोग हो गए,
हम स्पॉन्सर ढूंढेंगे इसके लिए, हम लोग ढूंढेंगे, तो ये प्रोजेक्ट इसमें सिंध में एक बड़ी तरक्की हो सकती है। और आपका ये जो सिंधी कल्चर प्रोडक्ट है, इसमें जब इनोवेशन आ जाए, जब इसमें जो वैल्यू एडिशन करे अच्छे डिजाइनर, तो ये इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे बिक मतलब आप सकता उसको कह रहे हैं आप इनको इंटरनेशनलाइज पैकेजिंग करके, उसकी मार्केटिंग करके, उसकी पोजीशनिंग करके, है। किसको अच्छा ग्लोबली करवा सकते हैं। देखिए, पैकेजिंग और मार्केटिंग तो अपनी जगह, मार्केटिंग खुद ब खुद होगी अगर उसको वो आपको किसी भी ऑडियंस को अच्छा लगे। किसी ऑडियंस को एक चीज अच्छा क्यों लगता है? उसकी उसका डिजाइन अच्छा हो। देखिए, हमारा पाकिस्तानी जो हुनरमंद है, जो स्किल मैन या वुमेन है, उसकी स्किल में कोई डाउट नहीं है, बहुत जबरदस्त है, बट उसका डिजाइन सही नहीं, उसके प्रोडक्ट में कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं, उसके प्रोडक्ट में हार्मनी नहीं है, उसके प्रोडक्ट में सिमेट्री नहीं है, वो सिंक्रोनाइज नहीं है, तब आप सही देखते है। हैं, देखिए वो जो लोकल बंदा देखता है उसको अच्छा लगता है, बट जब जब ये सारी चीजें मिल जाए तो वो किसी भी बंदे को अच्छा लगेगा। तो हमने ये चीजें करना है उन लोगों के लिए। ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिंध में अगर इतना जान है तो हम बड़े लेवल पे शुरू कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सो एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो, बेसिकली स्मार्ट सेंस जो है हमारा, सो वी आर जस्ट अ फैसिलिटेटर इनेबलर फॉर कनेक्टिंग द ऑल द एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स इन द डॉट्स। तो अगर कोई ऐसे लोग जो एनजीओ से बिलोंग करते हैं, या कोई अपने अपने शहरों में फिलेंथ्रॉपिक या ह्यूमेनिटेरियन काम कर रहे हैं, या अपने अपने विलेजेस से हैं, अगर आपको लगता है कि देयर इज सम अपॉर्चुनिटी, यू कैन यू नो कम यू नो एंड प्लेज फॉर फिलेंथ्रॉपिक और वॉलंटियर वर्क। तो आप बताएंगे कि आपके माइंड में ये आइडिया है, या आप इस विलेज को ओन करना चाह रहे हैं, या आप अपने किसी मोहल्ले मोहल्ले को, 10-15 आपको फीमेल्स नजर आ रही हैं इस तरह की जो बिल्कुल ही गरीब हैं, लेकिन उनके पास कोई हुनर है, कोई एक स्पेसिफिक स्किल है, चाहे वो टोपी बनाना आती हो, रिली बनाना आती हो, या कोई उस तरह की चीज़ हो, तो हम आप उनको इकट्ठा करके, आप उनका डेटा इकट्ठा करके, आप रियासत साहब से हम आपको कनेक्ट कराएंगे। तो बेसिकली आपने स्मार्ट फोन से कॉन्टेक्ट करना है, एंड वी विल फैसिलिटेट अ सेशन। तो उसमें ये होगा कि रियासत साहब की जो टीम होगी उस पर थिंक करेगी, और उन पे देखेगी कि उन उन 10 लेडीज को कैसे हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे सकते हैं, कैसे उनको अपने डिजाइनर दे सकते हैं, कैसे उनका जो अगर एक रिली के 500-600 रुपए कमा रही, तो कैसे वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए तक उसको लेके जा सकते हैं महीने के लेट से रेवेन्यू को। तो रियासत साहब, आई होप कि आई थिंक दिस इज हेल्पफुल फॉर द पीपल इफ दे अवेल इट। तो आई थिंक इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज, एनीबडी कैन रीच आउट टू स्मार्ट सन, और हमारे पास जितने भी एप्लीकेंट्स आएंगे, जितने भी लोग आएंगे वॉलंटियर्स, हम आपको उनसे कनेक्ट कराएंगे। और इसमें जस्ट टू गिव आइडिया, इसमें स्मार्ट सेंट का या रियासत साहब का पर्सनली कोई गेन नहीं है, इट्स प्योरली नॉन प्रॉफिट बेसिस वॉलंटियर वर्क। रियासत साहब, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से इन द फाइनल, एंड देन वी कैन ट्राई टू कंक्लूड द सेशन, और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में और सेशन करेंगे एरोनॉटिकल के ऊपर, या एविएशन के ऊपर, और जो दूसरी आपने चीज़ें बताई हैं। एनीथिंग यू वुड लाइक टू कंक्लूड ऑन दिस वुमेन एम्पावरमेंट सेशन? अच्छा वकास साहब, मैं जनरली इंटरव्यूज या जिस तरह सेशन पे नहीं आता हूँ, मतलब मैं, ये तो आपकी मोहब्बत है और इसीलिए हम आए। मुझे बहुत सारे टीवी, पहले मैं टीवी सेशन वेशन करता था, नहीं करता हूँ, मैं जनरली पसंद नहीं करता कि मेरा नाम मुख्तलिफ जगहों पे आए, बहुत सारे प्रोजेक्ट में पीछे रहता हूँ। बट हमने ये किया कि हमारे पास जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के 3 फॉर्म्स हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वो आपको मैं दे देता हूँ, आप लोगों में श्योर डाल दें। खासकर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होगा जो खवातीन पढ़ी लिखी है और वो घर में रह रही है, उनको कोई जॉब नहीं है, वो घर में रह के भी जॉब कर सकती है। जैसे हम अभी बलूचिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से, मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की इनोवेशन कमेटी का भी मेम्बर हूँ, सेकेंड टाइम सेलेक्टेड मेम्बर हूँ। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि ई कॉमर्स करवा रहे हैं इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियर एंटरप्रेन्योर, वो घर में बैठ के इसको, ये ई कॉमर्स कोर्स करके वो घर में बैठे बैठे कमा सकते हैं बाहर काम करके। इसी तरह बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, जनरली ये होता है कि जो ज्यादा नंबर ले लेते हैं किसी भी जराए से, तो वो उसको अच्छा समझा जाता है, खासकर खवातीन में, और वो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें खवातीन को कह रहे थे कि ये तो टॉपर नहीं है तो गलत है, मैंने कहा नहीं, दिस खातून आगे जाएगी। सो उन सब के लिए मैसेज ये है कि आप घरों में बैठ के भी कमा सकती है, आप डेवलप होके भी बहुत सारे कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक लड़की, अब मुख्तलिफ जगहों से हम वो कोर्स करवाते थे ऑनलाइन, इस्लामाबाद में MBA किया था, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, तो वो कह रही थी सर मैं बात भी नहीं कर सकती लोगों से। हमारे 2-3 कोर्सेज के बाद उसका
फीडबैक आया कि सर अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई, अब मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, अब मैं जो है बड़ों से बात कर सकती हूँ, अब मैं जाके कहीं काम कर सकती हूँ। खासकर इंटीरियर सीन में ये होता है कि बहुत सारे खवातीन एक तो कल्चरल इश्यू की वजह से, दूसरा कुछ माँ बाप की तरफ से, वो मजहब को, वो अपने कल्चर को मजहब में डाल देते हैं, मजहब का नाम देते हैं, तो वो खवातीन जो है उनके लिए प्रॉब्लम रहता है। तो उन सब के लिए है कि वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैंने अभी 3 कोर्स एट अ टाइम चल रहे थे, वो तीनों मैंने हॉल्ट किया, कोविड में भी हमारा चल रहा था तो हॉल्ट कराया हुआ है। हम ये दोबारा शुरू कर सकते हैं उन खवातीन के लिए। सेकंड, जो भी खवातीन है अपना आप डेटा उनसे जमा कर ले, हम उन पे स्टडी करेंगे, हम उनको एडवाइस करेंगे। ठीक है, एडवाइस में ये है कि वो खुद ही, हम उसको इस इतने ताकतवर बनाएंगे कि वो खुद ही जॉब उनकी तरफ आए और वो खुद ही जॉब ढूंढें। देखिए इस चीज पे हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा इश्यू है, ये नॉन प्रोफेशनल्स है सारे, वो कहते हैं यार जॉब इसको दे दो, जॉब ढूंढो, प्रोफेशनल की तरफ जॉब खुद आते हैं। हम इस लेवल तक इनेबल करते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं आप फैसिलिटेटर हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, जॉब वो खुद ही ढूंढते हैं, खुद ही वो करते हैं। सो ये जो चीज, जो कॉन्सेप्ट है कि जनरली खासकर स्पेशली हमारे गरीब लोगों में यार जॉब देना, और जॉब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि यार जॉब दिला दो, मैं कहता हूँ यार मैं जॉब नहीं दिलाता, आप मुझे बताएं कि यार ये जगह है, ये जगह मेरे लिए सही है, मैं आपका टेस्ट लूंगा, बाकी जॉब खुद ब खुद मिल जाएगा आपको। सो उन खवातीन के लिए पैगाम ये कि आपके पास आए, आपको डेटा दें, आप हमें वो डेटा दें, हम उस डेटा पर रिसर्च करेंगे और उस सर्च रिसर्च के मुताबिक उनको हम एडवाइस करेंगे और उसकी डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है जी, सही थैंक यू। हाँ साउंड्स गुड थैंक यू सो मच व्यासा साहब फॉर योर सपोर्ट एंड शेयरिंग ऑल दीज इनिशिएटिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो आई होप के से लोगों को फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह जो भी एप्लीकेंट्स हमारे पास आएंगे जो आप गूगल फॉर्म में हमारे पास 3 फॉर्म जो शेयर करेंगे इंशाल्लाह हम उसको प्रमोट करेंगे एंड शेयर करेंगे एंड होप के इससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स मुस्तफ़ीद हों थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड एक और बात, जाने से पहले एक और बात कहूँ। अच्छा, हम जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे जो प्रोफेशनल कोर्सेज है जो बड़े महंगे हैं, उनको हम फ्री भी करा देंगे। हमारा ये होता है, मेरा हाँ जो भी मैं कोर्स कराता हूँ उसमें 30% जो है ना वो फ्री लोगों को देते हैं, वो जो डिजर्विंग है। एक दूसरा, मेरे हर कोर्स में एक या दो वुमेन जरूर होता है, एक या दो लड़की। सो सही इस चीज को भी लोग फायदा उठा सकते हैं। अभी हम दोबारा रिवाइव कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को और इसमें इंशाल्लाह जो लोग डेटा आप देते हैं, डेटा के मुताबिक हम लोगों को एडवाइस करें। इंशाल्लाह ठीक हम है, इसको कोशिश करते हैं आप फॉर्म शेयर करेंगे तो हम इसकी अवेयरनेस क्रिएट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह थैंक यू सो मच थैंक रियासत साहब फॉर योर यू, काइंड इंफॉर्मेशन एंड ऑल दिस टाइम इंशाल्लाह विल स्टे इन टच थैंक यू इंशाल्लाह एवरीवन अल्लाह हाफिज़ अल्लाह।